हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल समथिंग यम्मी। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है ना? तो चलो, रतालू का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा कि मेरी रतालू की हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी मम्मी बनाया करती थी मेरे बचपन में। मैंने एक पैन में 5 छोटे चम्मच घी गर्म कर लिया है। अब ये है रतालू, ये 1 किलो है जिसको मैंने कुकर में 2 विजिल ले लिए थे और ऐसा पीसेस में काट के रख लिया है। ये कैसा भी अब मैश हो जाएगा हम चलाते चलाते। देखिए, घी में अच्छे से भून लीजिए। घी में इसलिए भूनना है ताकि रतालू में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और टेस्ट भी बढ़िया लगेगा इसका खाने में। ऐसे भूनते हुए ना आप इसे अच्छे से कलर चेंज होने तक थोड़ा हल्का सा भून लीजिए। देखिए, इतना भूनने के बाद आप इसमें गुड़ डालेंगे। 2 कप गुड़ है जिसको मैंने काट लिया है लगभग आधा किलो के करीब। ये मैं 2 बार डालूंगी, थोड़ा अभी डाला है, थोड़ा थोड़ी बाद में डालूंगी ताकि ये गुड़ पिघलने के बाद थोड़ा डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने शुगर नहीं गुड़ कहा क्योंकि ये हेल्दी भी होता है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच घी इसलिए डाला ताकि जो गुड़ है ना वो घी की गर्मी से जल्दी पिघल जाएगा। देखिए, बाकी का जो भी और भी बचा हुआ गुड़ था वो भी डालकर मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। इतना गुड़ इस हलवे के लिए काफ़ी था। ये ना ज़्यादा मीठा था ना ज़्यादा फीका, बस मीडियम अच्छे से था। मतलब देखिए, हमारा गुड़ ऑलमोस्ट पिघल चुका है। अब इसमें मैं 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। दूध की वजह से ना जो अगर कुछ भी कहीं ना कहीं कुछ भी गुड़ वगैरह रह गया हो तो वह पिघल जाएगा, अच्छे से हलवे में मिक्स हो जाएगा। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, बस हल्का सा। अगर दूध डालेंगे ना तो फ्लेवर थोड़ा और एनहांस होगा हलवे का। देखिए, मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पका लिया है। आपको हलवा बन गया ये कब पता चलेगा कि ये ना सारे साइड्स छोड़ने लगेगा हलवा। देखिए, जो भी बड़े टुकड़े हैं इस तरह से मैश करते हुए चला दीजिए। मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाला है जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हलवा को। अभी तो रतालू का सीज़न भी चल रहा है, आप एक बार ये हलवा ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। देखिए, हमारा हलवा रेडी है, ये साइड्स भी छोड़ने लग गया था। अब मैंने थोड़े से काजू और बादाम कट करके रखे थे जो घी में अच्छे से भूनकर मैं इस हलवे में डाल दूंगी। थोड़ा काजू बादाम भूनने के बाद हम इसमें थोड़े से किशमिश डाल देंगे। इसको मैं ना थोड़ा अच्छा भून लूँगी क्योंकि जब हलवे में हम खाएंगे ना क्रंची क्रंची बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए, अब जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स है वो हलवे में मिला दीजिए और क्या, बस अच्छा गर्मा गर्म परोस दिए और एंजॉय करें। अगर आप नहीं चाहते गर्मा गर्म, अगर इसे ठंडा भी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में रखकर खाइए। वैसे गर्म पे ना ये बहुत अच्छा लगेगा, मतलब फ्रिज में रखने से तो ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल दीजिए है। अब चलिए इसे परोस लेते हैं। एक बार इसे ट्राई करना और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट कर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए, आप इसमें गुड़ है एंजॉय भी अच्छे कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।